अपने क्षेत्र के हमारे नगर निगम मिलाई के रहने वाले सभी परिवारों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए बहुत बदलाव देख रहे हैं। एक एक लोग के मन में ये भावना जागी है कि हम किस तरह अपने आप को स्वच्छ रखें। तब से और महात्मा गांधी जी की तो परिकल्पना थी, महात्मा गांधी जी तो अद्भुत थे। भिलाई निगम में शुरू हो चुका है स्वच्छता पखवाड़ा और यहाँ पर आज रैली निकल रही है स्वच्छता के संदेश को लेकर के, जिसमें संभाग आयुक्त सहित कलेक्टर और इसके बाद सांसद विजय बघेल जी, महापौर लेखपाल जी सहित पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाई गई। इसके अलावा हस्ताक्षर भी किए गए और अब यह रैली शहर के विभिन्न वार्डों से गुजरेगी। हमारे साथ महापौर नीरज पाल जी हैं। नीरज भैया, किस तरीके का अभियान और क्या संदेश है शहर में? देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा जिसकी शुरुआत आज हो रही है, यह अभियान अपने क्षेत्र के हमारे नगर निगम मिलाई के रहने वाले सभी परिवारों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए, जो कचरा अलग अलग करने का, जो गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग दे पाए, घरों से इसकी शुरुआत हो, हर व्यक्ति जागरूक हो ताकि हम अपने मोहल्ले को अपने शहर को साफ रख पाए और देश में स्वच्छता की जो रैंकिंग में हम लोग भिलाई को भी अव्वल दर्जा दिला पाए। बिल्कुल, भिलाई को अव्वल दर्जा दिलाने की तैयारी है रैंकिंग में और स्मार्ट सिटी भिलाई की जो है परिकल्पना है वो साकार हो सके, इसलिए पूरे शहर भर में स्वच्छता का ये जो है संदेश फैलाया जा रहा है। आज ये दो शुभ दिन है, एक तो भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है और दूसरा नव निर्माण, भारत के नव निर्माण करने वाले आज के युग के विश्वकर्मा स्वरूप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इन दोनों शुभ अवसर की ढेर सारी बधाइयां शुभकामनाएं माननीय मोदी जी को हम सब कामना करते हैं। स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और इस देश के भविष्य को ऐसे ही गढ़ते रहे। कि हम सब की पूरे देशवासियों की तरफ से, पूरा मेरे दुर्ग लोकसभा की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज उनके ही जन्म दिवस पर जो अभियान हम लोग हर साल चलाते हैं, एक छोटे से कार्य को जो महाअभियान में तब्दील कर देने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्म दिवस पर इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई और हम लोग आज अपने दुर्ग जिला स्तरीय कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ के साथ इस अभियान में हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, नगर निगम के महापौर, पार्षदगण, हमारे पार्टी के जिला स्तर के नेतागण और सभी विभाग के अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर और सभी समस्त विभाग के कर्मचारी अधिकारी इसमें उपस्थित हैं। और जो बहनें निरंतर रोज गली मोहल्लों की सफाई करती हैं नगर निगम और जिला प्रशासन के माध्यम से, वो सभी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबको इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है हम खुद स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता के प्रति ध्यान देंगे और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करेंगे ताकि हमारा भारत देश स्वच्छ रहे, यहाँ की जलवायु शुद्ध रहे, यहाँ की हवा शुद्ध रहे और यहाँ आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश स्वच्छता के उद्देश्य को लेकर हम दे सकें। बहुत बदलाव देख रहे हैं, एक एक लोग के मन में ये भावना जागी है कि हम किस तरह अपने आप को स्वच्छ रखें। पहले लापरवाही होती थी लेकिन अब शासन का भी, प्रशासन के डर और दूसरे लोग देख न लें इस बात का भाव है। एक केला छिलका, एक केला भी खाते हैं तो छिलका भी कहाँ फेंकें, किस जगह कचरा का डिब्बा है वो फेंकें, ये ध्यान लोगों के मन में आया है। पहले कहीं भी फेंक देते थे, कहीं भी गंदगी फैला देते थे। ये भाव जब से अभियान शुरू हुआ, माननीय मोदी जी ने अभियान शुरू किया, तब से और महात्मा गांधी जी की तो परिकल्पना थी, महात्मा गांधी जी तो अद्भुत थे। महात्मा गांधी जी ने हमें पूरे देश को ये सीख दी थी, मगर उनके सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किसी नेता ने नहीं किया था, सिर्फ संकल्प लेते थे मगर अधूरा रहता था। मगर ये शासकीय स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और शैक्षणिक स्तर पर भी और धार्मिक स्तर पर भी इस अभियान को माननीय मोदी जी ने एक महाअभियान बना दिया। नगर निगम में भी स्वच्छता सेवा पखवाड़ा शुरू हो चुका है और आज जिला स्तरीय कार्यक्रम भिलाई के भेलवा तलाव से शुरू हुआ, जिसमें संभाग आयुक्त सहित कलेक्टर, महापौर, सांसद सभी लोग यहां पर शामिल हुए हैं और लगातार स्वच्छता के संदेश को लेकर के शहर भर में कई कार्यक्रम होंगे, जिले स्तर पर कई कार्यक्रम होंगे, कई प्रतियोगिताएं भी होंगी जो 2 अक्टूबर तक चलेगी। और बिल्कुल हम सबको भी एक संकल्प लेना चाहिए कि अगर हम अपने घर में स्वच्छता रखते हैं तो अपने आसपास, अपने गली मोहल्ले और अपने शहर को भी स्वच्छ बनाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।